ऐतिहासिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग से मैं पहुंच गई हूं मॉस्को, और मॉस्को पहुंचने के लिए मैंने यहां पर ली थी हाई स्पीड ट्रेन, जिसे कहते हैं सैमसंग ट्रेन, और मुझे 4 घंटे लगे सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को पहुंचने के लिए। मॉस्को में साइट सीइंग का दिन है, तो अब मैं जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन, वहाँ से मेट्रो लूँगी, और उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं वहाँ से हॉप ऑन हॉप ऑफ बस लूँगी, जो कि मुझे पूरे शहर की सैर करवाएगी। और बहुत कन्वीनियंट भी है, क्योंकि अगर आप खुद से जाएंगे तो आपको टैक्सी, मेट्रो और बहुत सारी झंझटें हैं, लेकिन हॉप ऑफ हॉप ऑन बस अगर आप लेते हैं, 1200 रूबल है उसका रेट, अगर आप वो लेते हैं तो बहुत कन्वीनियंट पड़ता है और आप सारी जगहें घूम भी सकते हैं। तो फिलहाल चलिए मेरे साथ मेट्रो स्टेशन की तरफ, और मेट्रो से मैं पहुंचने वाली हूं बस स्टैंड पर। तो फाइनली मैं मेट्रो स्टेशन पहुंच गई हूं और मैं मेट्रो ले रही हूं। मॉस्को मेट्रो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी मेट्रो लाइन है। 1935 में मेट्रो की शुरुआत हुई थी। आज मॉस्को में 232 मेट्रो स्टेशन हैं। आपको बता दूं कि रेड लाइन सबसे पुरानी लाइन है, और यहाँ पर एक ट्रिप का किराया है 55 रूबल। यहाँ का प्लोशचाद रेवोल्यूटीसी मेट्रो स्टेशन बेहद अनोखा है। कहते हैं कोई भी द बॉर्डर गार्ड विद अ डॉग नाम के स्ट्रक्चर पर अगर नाक रगड़े तो उसका बैड लक मिनट में दूर हो जाता है, और सिर्फ होता है उसके साथ अच्छा ही अच्छा। ओयार्ड रयार्ड समथिंग कुछ करके नाम है इस जगह का, और यहाँ से हॉप ऑन हॉप ऑफ बस का स्टैंड है, तो मैं वहीं जा रही हूँ मेट्रो से उतर कर, और मुझे लगता है कि अब सफ़र अच्छा होने वाला है। मैं पहुँच गई हूँ क्रेमलिन, जहाँ पर काफ़ी चहल पहल है, और ये एक तरह से बोला जाए तो काफ़ी ऐतिहासिक यहाँ पर चीज़ें हैं। जैसे मेरे पीछे ये जो है वो है कैथेड्रल ऑफ किजान, आइकन ऑफ मदर ऑफ गॉड। इसके ठीक सामने जो है ये नेशनल है, और बहुत सारी रशियन में चीज़ें लिखी हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं आपको घुमा रही हूँ ये एरिया, और ये देखिए खूब चहल पहल, खूब नमस्ते, बहुत सारे लोग हैं, खूब यहाँ पर शॉपिंग भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, और अभी कुछ लोग नमस्ते नमस्ते कर यहाँ पर इस तरह से पैसे भी खूब लेते हैं, नमस्ते करेंगे, आपकी फ़ोटो क्लिक करेंगे और आपसे 200, 500, 1000 रुबल तक मांग लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से बच कर रहिएगा, कोई कुछ भी बोले थोड़ा संभल कर। स्ट्रीट पर मैं बढ़ रही हूँ, और यहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं देखने के लिए एक ही जगह पर, जैसे एक अननोन सोल्जर का मॉन्यूमेंट है, और कैथेड्रल चर्च है क्रेमलिन स्ट्रीट पर, और यहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस की भी कई सारी, मतलब एक ही चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें हैं एक ही जगह पर। खूबसूरत चर्चेज हैं, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। क्रेमलिन को मॉस्को का दिल माना जाता है। सामंतवादी युग में रूस के विभिन्न नगरों में जो दुर्ग बनाए गए थे उन्हें क्रेमलिन कहा जाता था। ये 1.5 मील की परिधि में ट्रायंगुलर दीवारों से घिरा हुआ है, जो 1492 में गुलाबी रंग की ईंटों से बना था। मेरे पीछे ये जो आपको दिख रहा है ये है सेंट बेसिल चर्च, और ये काफ़ी पुरानी चर्च है, काफ़ी सारी अंदर चीज़ें एग्जिबिट की हुई है मदर मैरी की, और यहाँ पर जो भी जिन्होंने भी इसको बनाया तो उनके बारे में सब लिखा हुआ है अंदर। बहुत ही खूबसूरत है ये चर्च। अगर आप भी रशिया में आते हैं और मॉस्को में आते हैं तो आप इस स्ट्रीट को ज़रूर घूमिएगा। क्रिमिनल वॉल पीछे यहाँ पर रहती है, और यहाँ पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद से रेड स्क्वायर है, और घूमते घूमते मुझे हॉप ऑन बस में मिल गई है, जो मुझे नहीं मिल रही थी, और यहाँ पर बात करना बेहद मुश्किल है, बिना रशियन लैंग्वेज आए यहाँ पर लोग समझ नहीं पाते हैं, गूगल ट्रांसलेटर का बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है। और फिलहाल खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मुझे अब हॉप ऑन बस का स्टैंड भी मिल गया पीछे से, यहाँ से ये हॉप ऑन बस चलती है। तो बस अब इस स्ट्रीट को घूमने के बाद मैं वही बस लेने वाली हूँ बाकी शहर को घूमने के लिए।
ये है बोटनाया स्क्वायर जो कि ये रिवर के पास में है। ये बहुत ही सुंदर ब्रिज है। आप ये देखिए यहाँ पर ये लव लॉक जिसे कहते हैं, ये लव लॉक यहाँ पर भी बनाया हुआ है। फिर मैं मलेशिया गई थी तो वहाँ पर भी मुझे एक ऐसा ब्रिज दिखा जहाँ पर इस तरह के लव लॉक थे, और यहाँ पर भी इस तरह के लव लॉक लगाए हुए हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर इसी तरह के ताले लगाए हुए हैं और पेड़ नुमा इसको आकृति दे रखी है। पूरे दिन हॉप ऑफ हॉप ऑन बस में घूमने के बाद अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रीट, मुझे स्ट्रीट मार्केट जैसा लगा तो मैं इस मार्केट में आ गई हूँ और यहाँ से मैंने शॉपिंग भी की है। रशिया की खासियत है यहाँ पर वुडन डॉल्स बहुत फेमस है, तो मैंने वुडन डॉल्स खरीदी हैं और कुछ यहाँ के स्कार्फ भी बहुत ज़्यादा फेमस है तो मैंने स्कार्फ भी परचेज करे हैं। इस मार्केट को घूमते घूमते मैंने यहाँ पे ताजमहल भी खोज लिया है। जी हाँ, मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है ताजमहल, और मुझे उम्मीद है कि शायद यहाँ पर कुछ इंडियन मिल जाए तो मैं यहाँ पर अंदर देखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और काफ़ी टाइम से मैंने दाल चावल रोटी सब्ज़ी नहीं खाई है तो मैं बिल्कुल भूख से मर रही हूँ। जैसा मुझे लग रहा था इस रेस्टोरेंट का नाम है ताजमहल, तो मुझे यहाँ पर इंडियन फूड भी मिल गया और राइस और दाल मखनी, वन राइस वन दाल मखनी, जस्ट जीरा राइस वन जीरा राइस एंड वन दाल मखनी, स्पाइसी। मुझे ताजमहल में ये दाल और चावल मिल गए हैं और अब मैं अपना खाना एंजॉय करने वाली हूँ, और मुझे बहुत ही तसल्ली मिल रही है कि इतने दिनों बाद मुझे भारतीय खाना खाने को मिल रहा है।